हेलो स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया था कि 15 स्टेट्स के स्टूडेंट्स ने सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 को कैंसिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसको कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया था तो आज उसका फैसला होना था तो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डिसीजन लिया है तो मैं वो आप लोग को यहाँ पे बताना चाहूँगा देखो इसमें लिखा गया है मैं आपको पूरा न्यूज़ जो है यहाँ पर पढ़ के बताता हूँ सी बी एस ई टर्म टू बोर्ड एग्जाम विल नॉट बी कैंसल्ड सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिजेक्टेड द प्ली टूडे यानी कि आज जो है तेईस फरवरी को सुनवाई होनी थी सी बी एस ई बोर्ड एग्जामिनेशन दो हज़ार बाईस को लेकर टर्म टू को लेकर कि एग्जामिनेशन होनी है या फिर कैंसिल होंगी तो फाइनली जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ़ैसला जो है वो सुना दिया है कि जो टर्म टू एग्जामिनेशन है सी बी एस ई की तो वो कैंसल नहीं होंगे ठीक है और आगे ये भी दिया गया है कि सम स्टेट बोर्ड्स इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश बिहार हैव ऑलरेडी कॉमेंस्ड देयर बोर्ड एग्ज़ाम्स और इसमें यह भी दिया गया है कि कुछ स्टेट्स बोर्ड्स हैं जैसे कि बिहार बोर्ड मध्य प्रदेश बोर्ड तो ये ने अपना सुना दिया है, इसका वेट भी कर रहे थे, क्योंकि वे थे कि एग्जामिनेशन होंगी या फिर नहीं होंगी तो एटलीस्ट ये क्लियर कर दिया जाए तो आज 23 फरवरी को ये क्लियर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोल दिया है जो स्टूडेंट्स मांग कर रहे थे कि एग्जामिनेशन कैंसिल हो तो एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं हो रही है आगे और भी जो भी अपडेट्स आएंगे तो मैं आप लोगों को बताता रहूँगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखें थैंक यू